नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज फतेहगढ़ चूड़िया में सभी डॉक्टरों द्वारा एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बटाला रोड स्थित न्यू महाजन हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर हुआ हमला और अंत में 19 अगस्त 2021 को अमृतसर में सांप के काटे मरीज की मौत के बाद मरीज के परिजनों का कुछ जत्थेबंदियों के साथ न्यू महाजन हॉस्पिटल के बाहर मृतक की लाश रखकर धरना प्रदर्शन हुआ था। इससे पहले कि हम खबर प्रकाशित करते, हमें न्यू महाजन हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि बहुत दबाव के कारण उनका राजीनामा हो गया, इसीलिए वह खबर प्रकाशित नहीं की गई। लेकिन अब लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर हमले करना एक आम बात हो गई है, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि गंभीर मरीजों का इलाज कौन करेगा। ताज़ा मामला डेरा रोड स्थित महाजन हॉस्पिटल का है, जहां मरीज के परिजनों ने एक बार फिर हमला किया। इसे लेकर फतेहगढ़ चूड़िया के सभी डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें फतेहगढ़ चूड़िया के सभी हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरी टेक्नीशियंस ने उनका साथ दिया। फतेहगढ़ चूड़िया से सूरज मसीह की खास रिपोर्ट। डॉक्टर एकता अधिनियम, संगीतराम राव। डॉक्टर एकता अधिनियम, डॉक्टर एकता अधिनियम, डॉक्टर एकता अधिनियम। कोई डॉक्टर नहीं मदद नहीं करता, ये साडे प्रोफेशन की बहुत माड़ा। इहदा मतलब इहो जी कहिंदा कि आपां वी किसे दे स्टेज नूं हाथ ना पाईए, तो उहनूं जिन्ना आया उन्ना ही अंबरसर रैफर कर देना है। ऐसे गलत गल है ना, इहदा सरकार नूं सजा देना ना, एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। डॉक्टर अपनी पूरी वाह ला देंगे ने जिते डॉक्टर वाह लगती है, बाकी रही पैसे की गल तो देखो जे हॉस्पिटल खर्चे भी ने तो वो डॉक्टर ने दोनों तो पैसे पाने नहीं है। जो ऑक्सीजन वो भी बोलों की एक सुई भी वो सू लैनी पैंती है, तो सरकारी हस्पताल थोड़ी है जो कि पैसे का भी बड़ा ज्यादा पाते हैं। तो डॉक्टर जोड़े है वो तो कह नहीं है बस रब का रूप, तो जो मरीज ठीक हो जाता उदो बस पैसा ना प्लेस पा देंगे, जो आते उदो ते पैरों में पेंदे ने, लोग भी गोडे फड़ते, लोग भी ठीक करो जी जिन्हें मर्जी करो। इस करके ये गल बहुत खराब हो गई है, यदा हल जरा ना वो पक्का लभना ही जाना। हाँ जी, बाकी महन साहब दस तू भाजी अज का जो रोस धरना से साड़ा महाजना स्थल पहला 3-17 तरीक न एक महाजना स्थल बटाला रोड से यह इंसीडेंट होया साडे नाल। हुण अज जिहड़ा कल परसों का जिहड़ा ये पुराने महाजना हॉस्पिटल साडा होया यह रोस धरना, मतलब सानू बिना वजह तो हरासमेंट करते हैं। कुछ जथेबंदियां आ के मतलब सानू मतलब कहिंदे आ प्रेशर ही करके कि अहीं धरना ला देंगे, सानू मतलब इन्हां नाल साफ करो। वेखो जिहड़ा महाजन साहब का होया पहला वह भी सप्प दे लड़े का 16 तरीक ना आया आ, वो 19 तरीक जाके अमृतसर डैथ होती है, वह भी बिना वजह तो मतलब वो उन्हें भन तोड़ की हॉस्पिटल से, पुलिस ने परचा दर्ज किया। जथेबंदियां ने कुछ आन के सानू अंदर प्रेशर ही करके साढ़े ते भी परचा दर्ज करता, ठीक है। तहसीलदार साहब मैडम भी उदन आए थे, उन्होंने भी ये गल कही है भी आप 2-4 दिन ठहर के करा, पर जे साढ़े ना इदा ही मतलब हों आप कुछ टाइम मतलब हफ्ता ठहर के आप पूरा इस पिंडा की कॉल दे के RMP डॉक्टर पिंडा के स्टाफ न सारे हॉस्पिटल इकट्ठे होकर एक DC दफ्तर जाके धरना देवे। जो नहीं मांग पूरी होगी परचे की प्रशासन नहीं कार्रवाई करता, अगला स्टेप की होगा? अगला असं फिर सारे जी अपनी साड़ी यूनियन हैगी मतलब वो जाके अं एक रोज धरना देवे, नहीं मंग पूरी होंगी ती ना दस द मतलब लगातार हॉस्पिटल बंद करा, OPD बंद करा, लैबा बंद करा। सर मीडिया सद्या जाता, मीडिया साड़ी बहुत वधिया सुनवाई करता है, पर मतलब जो सुनवाई होंगी है परचा होंगे उस तो बाद सू प्रेशर ही करके सू फैसला कंप्रोमाइज किया। हस्पताल के बाहर रोस धरने से बैठे हो, हाँ जी, की है सारा मामला जी? इसका कारण है कि 13 तरीक न एक मरीज मेरे को बड़ी माड़ी हालत है, जिंद ला बह का बहुत भैड़ा हाल थी, उदिया फोटो मेरे को है, जो तुम कहो तो मैं फोटो भी पा देंगा। वो सिर्फ वो आप 3 दिन वास्ते दाल चाहता, 3 दिन पट्टी की वो पट्टी करता, हड्डिया डॉक्टर ने सलाह की, वो कहता जी ये कलर डॉपलर होना चाहिए। कलर डॉपलर होने तो बाद इन्होंने मैं 15 तरीक कलर डॉपलर वास्ते किया, पर इन्होंने लोगों ने कलर डॉपलर नहीं किया। 16 तरीक न मैनू बना मिलया, मेरी बिना इजाजत तो रात को छुट्टी लै चल गया घर, उस तो बाद 19 तरीक पट्टी करा गई है। इन बीटवन मेरे ना इन्हों का कोई लिंक नहीं रहा,
22 तरीक नूं इन्हां लोकां ने 100 क बंदा करीब मेरे हस्पताल से आ के हमला कर दिता। कुछ बंदिया मैं उन्हां चों पछाणदा सा ते कुछ नूं नहीं भी पछाणदा। बाकी उहदे आण के मेरे गल पैण लग गई, मेरे एक स्टाफ मैंबर की सूझबीझ दे नाल वह अगे हो गया, उहदे गल पै लोड तो वध कुटिया उन्हूं उतों, मैं उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की है, इन्हें मैनू भी धक्के दिते है, उन्होंने खिंच के फिर बाहर चौ गली दे इत्थे सड़क ते लाए आ, सड़क ते भी उन्होंने लोड तो वध कुटिया। फिर वो बंदे ने बच्चे ने दौड़ के अपनी जान बचाई आ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਸ ਧਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੋ ਅਤੇ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 3 ਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ? ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੌਣ ਕੌਣ? ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਆਦੇ ਨੇ, ਨੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੈਲੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਨਿਊ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੇਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਰਜਿੰਦਰ